Good morning, everyone. Welcome to Beyond Teaching. I'm Aparna Kumari and I'm your chemistry teacher at Beyond Teaching. So, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस की थर्ड चैप्टर दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले फर्स्ट कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर्स. सो वी नो दैट कि फाइबर्स जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. देन हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर. नेक्स्ट प्लास्टिक्स एंड देन एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक्स एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक एंड द लास्ट टॉपिक होगी प्लास्टिक्स एंड एनवायरमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सब ये जानते हैं कि हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं हम सबकी अपनी बेसिक नीड्स होती है. सो हमारी जो होती है वो थ्री बेसिक नीड्स होती है, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लोथ. अब अगर हम बात करेंगे क्लोथ्स की, तो क्लोथ्स जो होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? थ्रेड से बने होते हैं. अब ये थ्रेड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? फाइबर्स. एंड जितने भी फाइबर्स होते हैं उनको जब वीव किया जाता है तो क्या बनता है? फैब्रिक. सो ये जो फाइबर्स होते हैं जिनसे मींस वीव करने के बाद जो फैब्रिक बनाया जा रहा है उसके बाद ही उससे क्लोथ्स बनाई जाती है. तो जितने भी फैब्रिक्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स होती हैं. और अगर हम क्लोथ्स की ही बात कर ले तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट सीजन में हम डिफरेंट क्लोथ्स यूज करते हैं. सच एज अगर हम समर सीजन की बात करें तो हम कॉटन क्लोथ्स यूज करते हैं. अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो हमें वुलन क्लोथ्स यूज करना होता है. सो दैट कि जितने भी फाइबर्स होते हैं उनके सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है, सभी की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, जिससे कि क्या होता है कि इनके बीच में डिफ्रेंशिएट हो जाता है. सो अगर हम फर्स्ट बात करने जाएं कि ये फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं, मेनली द फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज योर नेचुरल फाइबर एंड द सेकेंड वन इज योर सिंथेटिक फाइबर. सो वॉट इज नेचुरल फाइबर? The fiber which obtained from nature and by the plants and the animals, that is known as the natural fiber. Means कि जो fiber हमें naturally मिल रहा है, या तो वो हमें plants से मिलते हैं या तो वो हमें animals से मिलते हैं, तो उसी fibers को हम कहते हैं natural fiber. अगर हम बात करें examples की, तो cotton, silk, wool and jute, these all are natural fibers. यहाँ हम पिक में देख रहे हैं कि कॉटन, यानी कि ये जो कॉटन होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो बेसिकली ये जो कॉटन होता है हमें कॉटन के प्लांट से मिलता है. तो जो कॉटन के प्लांट में ये जो आप देख रहे हैं ये व्हाइट कलर की जो फ्लावर है, इससे ये जो कॉटन से ये पतले पतले थ्रेड बनाए जाते हैं. देन आफ्टर इन थ्रेड्स की बुनाई की जाती है, देन इससे जो कॉटन का जो फैब्रिक है उसे रेडी किया जाता है एंड आफ्टर ऑल इससे कॉटन की क्लोथ बनाई जाती है. सेकेंड अगर हम बात करते हैं सिल्क की, तो सिल्क जो होता है वो एक्चुअली एक इंसेक्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सिल्क वॉर्म. अब हम सभी ने प्रीवियस क्लासेस में सिल्क वॉर्म की लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ाई की है. तो ये जो सिल्क वॉर्म होता है सबसे पहले ये क्या करते हैं? एग्स प्रोड्यूस करते हैं. तो जब ये एग्स होते हैं वो डेवलप होके क्या बनाते हैं? लार्वा. अब ये लार्वा क्या करता है? अपने अराउंड एक व्हाइट कलर की कोटिंग बनाता है और उसी व्हाइट कलर की कोटिंग से थ्रेड्स बनाए जाते हैं जो आपकी क्या होती है? सिल्क होती है. अब हम लोग सभी ने सिल्क क्लोथ्स को देखा है. जो सिल्क की क्लोथ्स होती हैं वो काफी ब्यूटीफुल एंड काफी फैसिनेटिंग होती है. दैट्स व्हाई सारे लोग चाहते हैं कि वो सिल्क की क्लोथ्स जो है वो पहने. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वुल की, तो जब द वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप्स,
यानी कि जो शिप्स होते हैं इनके इनसे जो होता है हमें वुल मिलता है, एंड इसके बाद इससे जो है वो वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं, और फिर ये वुलन क्लोथ्स का यूज जो है हम विंटर सीजन में करते हैं। एंड आफ्टर ऑल जूट जो होता है वो भी हमें एक जूट प्लांट से मिलता है। जूट प्लांट के जो स्टेम होते हैं उसे ड्राई किया जाता है, फिर उसमें से उसके थ्रेड्स को निकाले जाते हैं, एंड आफ्टर ऑल उससे जो जूट बनता है उसी जूट से हम लोग जूट बैग्स या फिर जितने भी कारपेट्स होते हैं वो जूट कारपेट्स बनाए जाते हैं। तो हमने यहाँ डिस्कस किया नेचुरल फाइबर्स के बारे में, अब हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर मींस सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो नोन एज द मैन मेड फाइबर मींस द मैन मेड फाइबर विच आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी इन द विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स दैट इज नोन एज सिंथेटिक फाइबर। यानी कि जितने भी आपके फाइबर्स हैं जो मैन मेड ने बनाया है और वो लैबोरेटरीज में बनाई जा रही केमिकल्स के हेल्प से, उसे हम क्या नाम देंगे? सिंथेटिक फाइबर। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर? सो दैट इज रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रेयन के बारे में। तो रेयन जो होता है वो क्या है? आपका सिंथेटिक फाइबर है। अब हम बात करें कि रेयन क्या होती है, कैसे बनती है। तो रेयन जो होता है वो वुड पल्प से बनाया जाता है, यानी कि वुड पल्प में जब हम लोग केमिकल को मिक्स करते हैं इसके बाद जो है वो रेयन बनता है। तभी तो रेयन को जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो सिल्क किससे काफी मैच करती है, मींस ये दिखने में बिल्कुल सिल्क की तरह ही होता है। अब अगर हम बात करें प्योर सिल्क एंड रेयन की, तो जो प्योर सिल्क होता है वो काफ़ी हाई अफोर्डेबल होता है, नहीं हो पाता, बिकॉजली क्या होता है कि वो क्वाइट बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। इसलिए जो रेयन होता है वो अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है, तो इस जगह पे रेयन जो का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ ही रेयन के जो काफ़ी प्रॉपर्टीज है वो सिल्क के जैसी है, मीन्स ये दिखने में ये भी काफ़ी फैसिनेटिंग होता है, कलरफुल होता है, ब्यूटीफुल टेक्सचर होती है। तो ये सारी थी रेयन की प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं नाइलॉन के बारे में। व्हाट इज नाइलॉन? तो नाइलॉन जो है वो पहला मैनमेड फाइबर है, मीन्स जिसे सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था वो आर्टिफिशियल फाइबर क्या है? नाइलॉन, जिसे कि 1931 में इन्वेंट किया गया था। अब हम बात करें कि नाइलॉन किस चीज से बना है, तो एयर, वाटर एंड द कोल, इन सभी को लैबोरेटरी प्रिपरेशंस करके नाइलॉन जो है वो बनाया जाता है। अब हम बात करें अगर नाइलॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो नाइलॉन जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, वो लस्चरस होता है, इसके साथ ही नाइलॉन जो होता है वो इलास्टिक होता है। अब नाइलॉन जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि नाइलॉन इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, मींस कि नाइलॉन की जो फैब्रिक्स होती हैं वो स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब नाइलॉन का हम यूज कहाँ करते हैं? तो नाइलॉन का यूज जो है वो क्लोथ्स बनाने में भी किया जाता है, इसके साथ नाइलॉन का यूज जो है वो टूथब्रश बनाने में, इनफैक्ट जितने भी रोप्स होते हैं जो माउंटेन क्लाइंबिंग के टाइम पे हम यूज करते हैं वो रोप्स बनाने में, साथ ही पैरासूट्स, ये सब में जो है वो नाइलॉन का यूज किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि माउंटेन क्लाइंबिंग के टाइम पे जो रोप्स बनते हैं वो नाइलॉन के क्यों बने होते हैं? बिकॉज नाइलॉन के जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो जब हम माउंटेन क्लाइंबिंग के टाइम पे वो क्या करते हैं, हम उस फाइबर को, उस रोप होता है उसे हम अपने बॉडी में टाई अप कर लेते हैं, जिसके साथ ही वो रोप क्या करता है कि हमारे पूरे बॉडी के वेट को लिफ्ट करता है। तो उस रोप का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, दैट्स वाई कि जो रोप्स होते हैं वो नाइलॉन फाइबर के बनाए जाते हैं, बिकॉज नाइलॉन जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिस्टर के बारे में। सो पॉलिस्टर, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ दो टर्म्स यूज हो रहे हैं, फर्स्ट वन इज योर पॉली एंड सेकेंड वन इज योर एस्टर।
Poly means many and ester is a chemical substance. Means कि जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर्स मिल करके लार्ज चेन फॉर्मेशन करते हैं तब जाके जो है वो पॉलिस्टर फॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं कि एस्टर्स, हमने एस्टर के बारे में पढ़ा है कि एस्टर्स जो होते हैं उनका एक फ्रूटी स्मेल होता है। अब पॉलिस्टर का यूज कहाँ किया जाता है, तो बेसिकली जो हम लोग एग्जाम्पल्स होते हैं पॉलिस्टर के वो है आपका टेरिलिन एंड पीईटी। सो टेरिलिन क्या है कि टेरिलिन जो होता है वो काफी थिन उसके फैब्रिक्स होते हैं, मीन्स उसके फाइबर्स जो होते हैं वो काफी थिन होते हैं, इजिली उन्हें वीवन किया जा सकता है और उससे जो है वो क्लोथ्स बनाए जाते हैं। और एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, हम जो देखते हैं शर्ट्स, तो वो बेसिकली वो पॉलिस्टर के बने होते हैं, तो पॉलिस्टर के शर्ट्स जो होते हैं वो इजिली रिंकल नहीं होते, जिस वजह से हमें बार बार आयरनिंग की जरूरत नहीं होती है। तो ये तो प्रॉपर्टीज हो गई आपकी पॉलिस्टर की। अब हमने यहाँ एक टर्म यूज किया पीईटी। व्हाट इज पीईटी, यानी कि पीईटी का फुल फॉर्म होता है पॉलीइथाइलीन टेरिफेलेट। पीईटी का यूज बेसिकली पीईटी बॉटल्स, पीईटी जार्स, फिल्म्स, ये सारे को बनाने में पीईटी का यूज किया जाता है। एंड आफ्टर ऑल हम बात करेंगे एक्रिलिक के बारे में। तो एक्रिलिक क्या होती है, इसे हम सिंथेटिक वुल कहते हैं, जिसका यूज वुलन क्लोथ्स लाइक स्वेटर्स, शॉल्स, ये सब बनाने में एक्रिलिक का यूज किया जाता है। एक्रिलिक जो होती है वो नेचुरल वुल से जो होती है क्वाइट इसका प्राइस भी लो होता है, और इसके साथ ये बहुत सारे ब्यूटीफुल कलर्स में अवेलेबल होती है एंड दिखने में भी काफी ब्यूटीफुल। सो हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कि सिंथेटिक फाइबर, जैसे कि हमने पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, मैनमेड फाइबर्स होते हैं। इसके साथ सिंथेटिक फाइबर्स इज आल्सो कॉल्ड पॉलीमर्स। अब हम ये टर्म जो यूज कर रहे हैं पॉलीमर, मींस हमने जो टर्म यूज किया है पॉलीमर, यानी कि यहाँ पे ये दो टर्म्स को मिलकर के बन रहा है। फर्स्ट वन इज योर पॉली एंड सेकेंड वन इज म, जिसमें कि पॉली का मतलब होता है मेनी एंड मो मीन्स यूनिट। दैट मीन्स कि जितने भी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जब वो आपस में कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद जो लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज नोन एज पॉलीमर। यानी कि ये जो पॉलीमर है वो आपका क्या है, ये छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर के बना है। अब हम बात करें कि ये जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, मींस ये जो स्मॉल यूनिट्स है इसे हम क्या नाम देंगे, सो इसे हम कहते हैं मोनोमर, जिसमें कि मोनो मीन्स होता है सिंगल एंड मो मीन्स यूनिट। यानी कि जितने भी सिंगल यूनिट्स होते हैं दैट इज नोन एज मोनोमर, एंड जो सिंगल यूनिट्स व्हेन दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट और अ लार्ज चेन दैट इज नोन एज पॉलीमर। सो ये हो गई हमारी पॉलीमर। अब हम सब ने नेकलेस देखा है कि वो जो नेकलेस होती है एक्चुअली उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बीड्स होते हैं जिसे हम क्या करते हैं, एक थ्रेड में डाल देते हैं, इसके बाद जो है वो नेकलेस फॉर्म होता है। सेम इसी तरह जब बहुत सारे सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइंड होकर के एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करते हैं, उसे ही हम क्या नाम देते हैं, पॉलीमर। अब अगर बात करें एग्जांपल्स ऑफ द पॉलीमर, सो कॉटन इज अ नेचुरल पॉलीमर, मींस कॉटन जो है वो आपका नेचुरल पॉलीमर है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्यूलोज। अब ये सेल्यूलोज क्या है, पॉलीमर, ये सेल्यूलोज बना कैसे है, तो सेल्यूलोज भी है वो छोटे छोटे यूनिट्स से मिलके बना है, मींस मेनी स्मॉल यूनिट्स व्हेन दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर। मींस यहाँ पे जो सेल्यूलोज में जो इसकी मोनोमर होती है, मींस इसकी जो सिंगल यूनिट होती है वो किस चीज से बनी होती है, ग्लूकोज की। यानी कि द स्मॉल यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज व्हेन दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेल्यूलोज, which is a polymer।
नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. सो सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? मैन मेड फाइबर्स होते हैं जो कि लैबोरेटरीज में केमिकल के हेल्प से बनाए जाते हैं. सेकेंड है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं बिकॉज सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं जिससे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है. थर्ड वन इज अफोर्डेबल. हम सब ने देखा अगर हम कंपेयर करते हैं प्योर सिल्क एंड रेयॉन की तो रेयॉन जो होता है वो दिखने में बिल्कुल सिल्क की तरह होता है बट अगर हम प्राइस की बात करें तो वो प्योर सिल्क के कंपैरिजन में रेयॉन जो होता है वो काफ़ी लो प्राइस में अवेलेबल होता है. दैट्स व्हाई कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो आपके अफोर्डेबल होते हैं. नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमर. मीन्स कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स को कंबाइन करके बनते हैं तभी वो क्या कहलाते हैं? पॉलीमर्स. नेक्स्ट है रेडिली अवेलेबल. यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो इजीली अवेलेबल भी होते हैं. नेक्स्ट है इजी टू मेंटेन. मीन्स सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो इजीली रिंकल नहीं होते हैं. That's why कि उसमें आयरनिंग की जरूरत नहीं होती है और वो मेंटेन करने में भी काफी इजी होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है इलास्टिक एंड लाइट. सिंथेटिक फाइबर्स आपके काफी इलास्टिक होते हैं एंड लाइट वेट के होते हैं. That's why इसे हम इजिली जो है वो पहन सकते हैं. एंड द लास्ट वर्ड इज इजी टू वॉश एंड ड्राई. सिंथेटिक फाइबर्स को मीन सिंथेटिक जितने भी फैब्रिक होते हैं जो क्लोथ्स होते हैं उसे हम इजीली वॉश कर सकते हैं. इसके साथ ही ये वाटर को ज़्यादा सोक नहीं करते. अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि हम दो बकेट्स लेते हैं एंड दोनों में वाटर देंगे एंड आफ्टर ऑल एक में हम सिंथेटिक फैब्रिक देंगे एंड एक में हम नेचुरल फैब्रिक देते हैं तो आफ्टर अ 5 or 10 minutes जब आप देखोगे तो जो नेचुरल फैब्रिक होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सोक कर लेता है एज कंपेयर टू सिंथेटिक फैब्रिक. दैट्स व्हाई बोला जाता है कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर्स. नेक्स्ट है अगर हम ड्राई प्रोसेस की बात करें तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं सिंथेटिक फैब्रिक होती है वो जितने भी सिंथेटिक क्लोथ्स आप यूज़ कर रहे हो अगर आप उसे ड्राई करने के लिए दोगे तो फिर जो वो जो होता है वो काफ़ी इजीली ड्राई हो जाता है एज कंपेयर टू नेचुरल फैब्रिक क्लोथ्स के. सो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया द टाइप्स ऑफ फाइबर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. आफ्टर ऑल हमने डिस्कस किया व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. सो आगे के फर्दर टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.